बिजावर मध्य प्रदेश छतरपुर जिला से संजू तिवारी जी का प्रश्न है कि गुरु जी स्त्रियों के लिए और शूद्रों के लिए धर्मशास्त्रों में वेद पढ़ने के लिए मना किया गया है, तो वेद के ज्ञान से रहित हूँ और वैसे शूद्र अगर हवन करें तो कैसे हवन करें या हवन ही न करें, और स्त्रियों और शूद्रों का वास्तव में कैसे कल्याण होगा, ये प्रश्न है। क्योंकि इस संसार में जितने भी जीव हैं उन सब का कल्याण तो अपने अपने धर्म के पालन करने से होता है। इनका क्या धर्म है और ये कैसे क्या करें कि भगवान इनसे प्रसन्न हो जाए और इनका कल्याण भी हो जाए, ये है। हाँ, ये प्रश्न बहुत विलक्षण है, इसको थोड़ी समझने लायक है कि जिसको अपने कल्याण की कामना होती है वो कभी अपने धर्म का त्याग नहीं करता। जिसको अपने कल्याण की कामना होती है वह अपने धर्म का ज्ञान भी पूछता है कि सत्पुरुषों के समीप में जा करके वो पूछते हैं कि महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा। इसलिए कल्याण की कामना यदि किसी शूद्र में या किसी स्त्री में जागृत हो जाए तो कल्याण की कामना करने वालों को सबसे पहले विद्वान महापुरुष ब्राह्मण के समीप जाना चाहिए। उपनिषदों में लिखा है कि जो मुमुक्षु हो अर्थात संसार से मुक्त होना चाहता है वह मोक्ष ज्ञाता अर्थात शास्त्रों के आध्यात्मिक विद्या के ज्ञाता गुरु के समीप में समझाव को लेकर के जाए। ये आप पूछ रहे हैं ना ये प्रश्न, यदि ये प्रश्न वही पूछे जिनको कल्याण की कामना है तो उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जिसको जिज्ञासा होती है यदि वही उस प्रश्न को पूछते हैं तो बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसको धारण भी करते हैं। इस संसार में जिस पुस्तक में जो लिखा होगा वह आपके भलाई के लिए ही लिखा होगा और जो लिखा है वह सब करने के लिए लिखा हुआ है। नारद जी ने युधिष्ठिर को श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के 11वें अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक में शूद्र और स्त्री के कल्याण के लिए कहा। अगर ये दोनों अपने अपने धर्म में रहे तो इनका कल्याण हो ही जाएगा। जैसे में देखिए श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के 11वें अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक पर थोड़ी विचार करने लायक है। नारद जी ने इसमें ब्राह्मण के लक्षण लिखे हैं, क्षत्रिय के लक्षण कहे युधिष्ठिर को, वैश्य के भी कहे और क्या करना चाहिए इसके बाद शूद्र और स्त्री के लिए कहा है। शूद्रस्य सज्जति शौचम सेवा स्वामित्य मायया अमंत्र यज्ञो यस्तेयम सत्यम गो विप्ररक्षणम। शूद्र में ये लक्षण होना चाहिए, कल्याण यदि शूद्र को कल्याण की कामना है तो उसमें ये लक्षण होना चाहिए और ये गुण होना चाहिए। पहला लक्षण सन्नति ही, जिसको कल्याण की कामना है ऐसे शूद्र में सन्नति ही माने नम्रता होना चाहिए, उद्दंडता नहीं होना चाहिए। दूसरी बात शौचम पवित्रता होना चाहिए, शूद्र अपवित्र नहीं होते हैं ऐसा नहीं है,
ब्राह्मण अपवित्र नहीं होते हैं ऐसा भी नहीं है। यहाँ अपवित्रता तो उसको ही कहते हैं जो शुद्ध वस्त्र नहीं पहनते, स्नान नहीं करते, समय से ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते इत्यादि, जिनका आसन शुद्ध नहीं है, स्थान शुद्ध नहीं है। इसलिए पवित्रता का तात्पर्य है कि वो जिस घर में रहे वो घर पवित्र हो, मलमूत्र इत्यादि अलग हो, ये पवित्रता है। शरीर में शुद्ध वस्त्र पहने हो और सेवा स्वामिनी, और वह शूद्र जिनकी सेवा कर रहा है, वास्तव में जिसकी सेवा की जाती है उसी से तो धन प्राप्त होता है, उसी से आजीविका प्राप्त होती है। सेवा करने से आजीविका प्राप्त होती है। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, यदि शूद्र नम्र हो और पवित्र हो और स्वामिनी अपने स्वामी के प्रति अमायया सेवा, बिल्कुल कपट रहित सेवा कर रहा हो, और अमंत्र यज्ञ, बिना मंत्र का यज्ञ है ये, बिना मंत्र का यज्ञ, और अस्तेयम चोरी ना करे, और सत्यम सत्य बोले, और गोविप्ररक्षणम वो गाय की और ब्राह्मण की रक्षा करे। शूद्र यदि इन लक्षणों से युक्त हो तो उसका उसी प्रकार से कल्याण होगा जैसे ब्राह्मण का वेद पढ़ने से कल्याण होता है, यज्ञ करने से कल्याण होता है। गौ का रक्षा करना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों में है। वैश्य के लक्षण में तो भगवान ने कहा ही है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, 18वें श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान ने कहा, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, कृषि खेती करना, गौ रक्षा करना, तो अकेले ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही गौ रक्षा के लिए नहीं कहा। नारद जी कहते हैं कि यदि शूद्र में शूद्रस्य सन्नति शौचम, शूद्र नम्र हो और गो विप्र रक्षणम, गौओं का और ब्राह्मणों का रक्षक हो। अब गौ और ब्राह्मण का रक्षक कैसा, शूद्र गौ की रक्षा कैसे कर सकते हैं, अर्थात वो गाय पाले, गायों का पालन करे, उनकी सेवा करे, और अथवा जिस स्वामी के यहाँ वह आजीविका के लिए सेवा कर रहे हैं, अगर उनके यहाँ गाय है तो उनको गौ का भी, ब्राह्मण की रक्षा कैसे करेंगे वो, शूद्र ब्राह्मणों की रक्षा कैसे करते हैं। नारद जी ने एक आश्चर्यकारी बात कह दी कि अमंत्र यज्ञ यस्तेयम सत्यम गो विप्र रक्षणम, शूद्र सदा सत्य बोले और गौ और ब्राह्मण की रक्षा करे, और अस्तेय घर में कितनी भी कमी हो, चोरी तो करने के लिए किसी को विधान नहीं है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुत्र कोई भी हो, चोरी करने का विधान तो किसी को नहीं है। तो गो विप्र रक्षणम का मतलब है यदि शूद्र ब्राह्मण की रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो सेवा शूद्र को ब्राह्मणों ने सौंपी हो और जहाँ से जैसी सेवा सौंपी हो वह सेवा वो करें, यही ब्राह्मण का रक्षण है। यदि ब्राह्मण मंदिरों में पूजा करते हैं तो ब्राह्मण ही मंदिर में पूजा करें, शूद्र इस प्रकार का आग्रह न रखें कि जिसकी पूजा ब्राह्मण करते हैं, जैसा ब्राह्मण करते हैं, जो वेद पढ़ते हैं, जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, हम भी वैसा ही करेंगे। यदि शूद्र ही ब्राह्मण की आजीविका ग्रहण कर लेते हैं तो ये ब्राह्मण का नाश करना है, ये ब्राह्मण की रक्षा करना नहीं। जैसे अभी आपने देखा हो कि दक्षिण भारत में भारत सरकार ने 400-500 मंदिरों में हरिजनों को मंदिरों का पुजारी बना दिया है, तो सरकार ने मंदिरों का पुजारी यदि हरिजनों को बना दिया है तो ब्राह्मण के लिए भी तो सरकार को देना चाहिए ना,
ब्राह्मण पहले मंदिर में पूजा किया करते थे, अब आपने मंदिर की पूजा सौंप दी है किनको, हरजनों को। तो यदि हरजनों की दे दी है पूजा, तो फिर ब्राह्मणों की क्या व्यवस्था है? ये ब्राह्मणों का हनन है, ये ब्राह्मण का रक्षण नहीं है। ब्राह्मण की आजीविका को क्षत्रिय ले या वैश्य ले या शूद्र ले, ये ब्रह्म हत्या ही कहलाएगी, क्योंकि ब्राह्मण तो न तो व्यापार कर रहा है, न ही मान लीजिए उसके कोई रोजगार है। तो मंदिरों की पूजा करके समाज से जो अपनी आजीविका धारण करता है, घर परिवार चलाता है, अगर वो नहीं चलाता है, यदि आप ब्राह्मण के ही वृत्ति में आप आ जाते हैं, तो ये ब्राह्मण बध ही है, ये ब्राह्मण का रक्षण नहीं है। ये है, इसलिए शूद्रों के लिए लिखा अस्तेयम, चोरी न करें, सत्यम, सत्य बोले, सत्य को धारण करें, और ब्राह्मण और गौ की रक्षा करें, ये हो गया शूद्रों के लिए है। और अब स्त्रियों का क्या है? बोले स्त्री नाम पति देवा नाम तत्सुसानुकूलता। तो स्त्री नाम, स्त्रियों के लिए क्या है? बोले वो भी सत्य बोले, वो भी गौ की रक्षा करे, वो भी ब्राह्मण की करे, किंतु इसके साथ साथ लिखा है पति देवानाम शुश्रूषा, उनके लिए सेवा किसकी है? तो स्त्रियों के, गृहस्थ स्त्रियों की सबसे बड़ी सेवा है पति की सेवा में अनुकूलता करना। और तद बद्धुषु अनुवृत्तिश्च, और उनके जो पति के बंधु बांधव है, अर्थात माता पिता, पति के माता पिता, पति की बहन, पति के संबंधी, उनकी अनुवृत्तिता, उनकी सेवा नहीं अनुवृत्तिता, कुछ समय के लिए अगर वो आ जाए तो उनके बंधु बांधवों की सेवा करना। नित्यम तद व्रत धारणम, नित्य ही अपने सास ससुर की सेवा करना, पति की अनुकूलता जिसमें हो वह करती रहे। स्त्री को न वेद पढ़ने की जरूरत है, न स्त्री को किसी की दीक्षा लेने की जरूरत है, वह अपने मात्र पति और परिवार और पति के बंधु बांधवों की सेवा करने मात्र से ही उसका कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा हे युधिष्ठिर, ब्राह्मण ब्राह्मण के धर्म में रहे, क्षत्रिय क्षत्रिय के, वैश्य वैश्य के, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है। शूद्र को ब्राह्मणों की संगति करना चाहिए, ब्राह्मणों से अपने धर्म के विषय में पूछना चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों की संगति में आएंगे तो सत्य भाषण आएगा, अस्ते अर्थात चोरी नहीं आएगा, और गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करें और पवित्र रहे। अमंत्र यज्ञ, यही उनका बिना मंत्र का सबसे बड़ा यज्ञ है, यह धर्म का पालन करके ही स्त्रियों और शूद्रों का कल्याण होता है। और जो लोग विपरीत चल पड़ते हैं तो फिर बाद में कहें कि हमारा कल्याण कैसे होगा। तो जो धर्म का त्याग कर देते हैं और मार्ग का त्याग कर देते हैं, सन्मार्ग का त्याग करने वाले व्यक्ति यदि अपने धर्म का त्याग करके विपरीत मार्ग में चलते हैं, उनका तो न तो चित्त सही रहता, न बुद्धि सही रहती है, विकृत बुद्धि हो जाने से वह कुमार्गामी हो जाते हैं। और वह कुमार्गामी होते हैं तो फिर तो कल्याण इस कलयुग में कैसे भी संभव नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।